हनुमान और परशुराम का सृष्टि के विनाश का युद्ध। सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने कई बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। ऐसा भी समय आया जब कई अवतार एक साथ ही इस धरती पर अवतरित हुए थे, जहां विष्णु भगवान ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया था, वहीं उसी युग में भगवान परशुराम पहले से ही अवतरित हो चुके थे। वहीं इस युग में महाज्ञानी अति बलधामा महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी अवतरित हुए थे, जिन्हें अपनी सेवा, निष्ठा, बल व बुद्धि के लिए पूजा जाता है। पर क्या हो जब ये दो शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं? आइए जानते हैं भगवान परशुराम और हनुमान के महाप्रलयंकारी युद्ध की कथा महावॉरियर की इस नई प्रस्तुति में। त्रेता युग की एक कथा के अनुसार कार्तवीर अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का घोर तप कर हजार भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था, जिसके बल पर वो कई राजाओं को अपने अधीन कर समस्त जगत में महाशक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजरते वक्त वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में ठहरे, जहां कामधेनु गाय से उत्पन्न भोजन से उनकी सारी सेना तृप्त हो गई, जिसके कारण कार्तवीर अर्जुन को लालच आ गया और वो कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले गए। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो वो गुस्से में कार्तवीर अर्जुन के महल जा पहुंचे और उनका वध कर दिया, जिसके प्रतिशोध में कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने निहत्थे जमदग्नि और परशुराम के भाइयों को मार डाला। जब परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी मां ने ये सारा वृतांत उन्हें सुनाया। अपने पिता और भाइयों की ये स्थिति देखकर वो क्रोध अग्नि में जल उठे और बोले, इन क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और निर्दयता से मेरे पिता और भाइयों का वध किया है। इसके प्रतिशोध में मैं भृगुवंशी परशुराम इस धरती से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दूंगा। परशुराम ने अपने दिव्य फरसे से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। पौराणिक कथाओं की माने तो संपूर्ण धरती क्षत्रिय राजाओं के रक्त से लाल हो गई थी, परंतु भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था और जब 21वीं बार परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश करने निकले तब उनके भय से बहुत सारे राजाओं ने जंगलों और पहाड़ों की शरण ले ली थी। वही एक समय की बात है, पर्वतों में विचरण करते हुए एक बार हनुमान जी को कुछ क्षत्रिय राजा एक गुफा में छिपे हुए मिले। उन्होंने पूछा, आप सभी कौन हैं? इन वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर आप इस गुफा में क्यों छिपे हैं? हे वानरराज, हम भगवान परशुराम के भय से यहाँ छिपे हैं। वो हमें बिना किसी अपराध के ही मारना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा धर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो वो पूरी कर चुके हैं। अब वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं। राजाओं से संपूर्ण कथा जानने के बाद हनुमान जी चिंता में पड़ गए और उनके साथ अन्याय होता देख उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आप सभी को अब किसी का कोई भय नहीं, आपकी रक्षा का दायित्व मैं खुद उठाऊंगा। हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर सभी राजा भयमुक्त हो गए, पर परशुराम की भयंकर गर्जना अब भी उनके कानों में वज्र के समान प्रतीत हो रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने कई दिनों तक उन राजाओं के लिए वन से खाने पीने की व्यवस्था की और ऐसे ही जब एक दिन हनुमान जी वनों में विचरण करने गए थे तब क्रोधित परशुराम खून में लथपथ अपने फरसे को लिए उस गुफा के पास आ पहुंचे, जहां क्षत्रिय राजा छिपे हुए थे। परशुराम के भयंकर रूप को देख सभी राजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तभी उनकी पुकार सुनकर महाबली हनुमान वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, आप इन निर्दोष क्षत्रियों को किस कारण मारना चाहते हैं? ए वानर, पहले तुम अपना परिचय दो,
और ये बताओ कि तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैंने इस धरती को 20 बार क्षत्रियों के खून से लाल कर दिया है? आपकी प्रतिज्ञा उन अधर्मी क्षत्रियों के विनाश की थी, ना कि पाप रहित राजाओं की। हे वानर, मेरा वानर कुल से कोई बैर नहीं है, अतः तुम मेरे कार्य में बाधा बनने का प्रयत्न मत करो और यहाँ से हट जाओ। आप अति ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं, पर इस निर्दय कार्य से आपके ही हाथ मैले होंगे, अतः आप इन राजाओं को मारने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी रक्षा का प्रण लिया है। इसी प्रकार काफी देर तक परशुराम और हनुमान जी में वाद विवाद चलता रहा और अंत में क्रोधित होकर, मूर्ख वानर, अब इन क्षत्रियों के साथ मैं तुझे भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। परशुराम जी ने अपने पूरे बल से हनुमान जी पर अपने फरसे को फेंक दिया और अपने बचाव में बजरंग बली ने अपनी गदा को फेंक कर उनके प्रहार को विफल कर दिया और उसके उपरांत दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने धनुष पर शक्तिशाली अस्त्र चढ़ा लिए और हनुमान जी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसके जवाब में हनुमान जी ने एक विशाल पत्थर परशुराम और राजाओं के बीच में रख दिया और अपनी गदा लेकर उन पर वार करने लगे। शिव जी से प्राप्त प्रलयंकारी फरसा और महाबली हनुमान की गदा से टकराते ही भीषण कंपन होने लगा, जिससे सभी जीव जंतु कांपने लगे। कथाओं के अनुसार दोनों का युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों की गर्जना सुन संपूर्ण सृष्टि, स्वर्ग और पाताल सभी कांप उठे और ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। यदि परशुराम जी और हनुमान जी यूं एक दूसरे पर प्रहार करते रहे तो अनर्थ होना निश्चित है, हमें इस प्रलयंकारी युद्ध को रोकना होगा। जहां सारी सृष्टि अपनी स्थिरता खो चुकी थी, उसी समय परशुराम जी और हनुमान जी पाताल लोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना भयंकर युद्ध जारी रखा, जिसके कारण पाताल लोक का भी विनाश शुरू हो गया। भगवान परशुराम के नेत्रों से निकलती ज्वाला को देख हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई कि परशुराम जी को हरा पाना असंभव है, परंतु उनके क्रोध को अगर शांत नहीं किया गया तो सृष्टि का विनाश भी तय है। तभी सभी देवता महादेव शिव के पास कैलाश जा पहुँचे, जो अपनी समाधि में लीन थे। महादेव, आंखें खोलिए, इस समय आपका समाधि में रहना सृष्टि का विनाश कर सकता है। धरती पर आपके परम शिष्य परशुराम और आप ही के रुद्र अवतार हनुमान के बीच में भीषण संग्राम चल रहा है, इसे रोकिए वरना संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवताओं की याचना सुन स्वयं भगवान शिव को युद्ध रोकने के लिए जाना पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तभी वहां देवों के देव महादेव शिव प्रकट हुए और बोले, हे भृंगुवंशी परशुराम, हनुमान मेरा ही अवतार है और अपने धर्म से बंधे होने के कारण इन्हें आपसे युद्ध करना पड़ा, परंतु अब आपका प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब आप अपने पिता जमदग्नि जी का श्राद्ध कीजिए और इस भार से मुक्त होइए। अपने आराध्य व गुरु के आदेश को मानकर भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के संहार को रोक दिया और इसके पश्चात वो अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके महिंद्र पर्वत पर घोर तप में लीन हो गए। तो मित्रों, ये थी ईश्वर के अवतारों के द्वंद्व की अनसुनी कथा, जिसने सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।